जी, मेरा नाम है श्वेता लोया एंड वेलकम यू ऑल ऑन श्वेता लोया क्लासेस। जहाँ पे भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज इस तरीके से वीडियो लेकर आई हूँ तो सिर्फ कंसेप्ट यही है कि आज है 8th ऑफ मार्च, दैट इज़ अ इंटरनेशनल वुमेन डे। सो बहुत तहे दिल से आप सबको विशेष है अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। और ये विशेष वुमेंस को ही नहीं है, सिर्फ उन मेल्स को भी है जो हमेशा हर कदम पे उनके घर की फीमेल्स का साथ देते हैं। यस, देखिए, कभी भी आज मेरे पास सुबह से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो शूट करना बनता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे। अच्छा जी, वुमेंस डे है, अच्छा मेल डेज कब होता है, मेंस डे कब होता है, कब आता है, कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता, हमें तो कोई विश ही नहीं करता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ इसके अंदर कुछ अलग अलग कर रहे हैं, बस कंसेप्ट बस यही है। एक दिन होता है, वैसे तो हर दिन वुमेन का है, हर दिन मेल का भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन पर्टिकुलरली इनके लिए रखा है या एक दिन पर्टिकुलरली उनके लिए रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन सबका है। बस वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं किसी भी, तो उनको एक डे डिनोट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा उनको उस दिन पर्टिकुलर पैम्परिंग कर दें। जैसे हम कहते हैं कि हमें हर रोज़ खुश रहना चाहिए, लेकिन हम बर्थडे वाले दिन कहते हैं नहीं, हमें कुछ पैम्परिंग चाहिए। तो वैसे ही एक वुमेंस डे के लिए एक डे बना दिया है 8th ऑफ मार्च, कि जिसमें आप अपने घर के फीमेल्स को थोड़ा सा पैम्पर कर सकें, बस और कुछ नहीं है। बाकी जो मेल्स हैं, जो अदर फीमेल्स हैं, जो हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फैमिली में, प्रोफेशन में, फ्रेंडशिप में, हर जगह, बस यही सपोर्ट अपना हमेशा बनाए रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं एम्पावरमेंट, बड़े सारे पॉइंट्स आज सुबह से, मतलब इतने मैसेजेस आ रहे हैं सारी चीज़ों को लेके कि वुमेन एम्पावरमेंट है, या फिर हम बात करते हैं मेल सपोर्ट सिस्टम, फीमेल सपोर्ट सिस्टम। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द ओनली योर सपोर्ट सिस्टम। यस, अगर आज मैं अपनी जर्नी अगर थोड़ी सी भी शेयर करना चाहूँ, तो सबसे पहले मेरी विल पावर थी कि मुझे कुछ करना है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट आया, अल्टीमेट तो सबसे पहले मैं राजी होनी चाहिए ना, हाँ मुझे ये काम करना है। तो जब मैंने सोचा कि यस आई हैव टू डू माई CS, आगे कुछ और करना है, कुछ और करना है, जर्नी तो इतनी लंबी है और इसके अंदर इतने सारे हर्डल्स रहे हैं कि कितना डिस्कस करें, बट यस, हर एक चीज़ रही है, हर एक चीज़ को पॉजिटिवली समझा है, पॉजिटिवली अडॉप्ट किया है, पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, और पॉजिटिवली जो बेस्ट एक्शंस हुए हैं वो सब लिए। अभी भी काफ़ी लोग होते हैं, कहते ही रहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। ओके, आई थिंक वी आर डूइंग नथिंग, बट यस, व्हाट एवर वी आर डूइंग, वी आर वेरी हैप्पी। सो लाइफ में यही मोटो हमें अपनी लाइफ का भी बनाना चाहिए, मेल्स हो या फीमेल्स हो। डीमोटिवेट हमें हर कोई करने आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि फीमेल्स को ही डीमोटिवेट किया जाता है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेल्स को ही डीमोटिवेट किया जा सकता है। वो सारी हमारी किस्मत पे लिखा है, या हम जिन लोगों से कनेक्ट होते हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि हम किससे डीमोटिवेट और मोटिवेट हो रहे हैं। बट फर्स्ट थिंग इन आवर लाइफ कि हम जिनसे मोटिवेट होते हैं ना, वो हम खुद हैं। बहुत बार आज वो वुमेंस डे का था, तो मॉर्निंग में व्हेन आई एम डूइंग माय वर्क स्टफ, काम तो चलते ही रहते हैं, एक आदत है। एक आदत कैसी है, मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, दैट इज़ अ वेरी प्रीशियस टाइम ऑफ आर लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे ना थोड़ी सी शांति, और उस टाइम पे जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं ना, उसी से हमारा आउटपुट निकलता है। तो मेरी एक आदत है, मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स ये सब सुनती हूँ, और स्पेशली मेरे 3-4 सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं। कौन से, जो आपको मोटिवेट कर, मोटिवेशनल मूवीज़ ये, तो इन सब चीज़ों से है ना, मतलब कभी भी वो होता है ना, थोड़ा सा बार अपना गिरने लगता है, उसी वक्त मैं बूस्ट कर लेती हूँ ऐसा कुछ सुन के। तो ये चीज़ आज मैं मॉर्निंग में भी सुन रही थी, तो एक थॉट आया, सोचा आपसे आप डिस्कस करूँ। अभी 3-4 दिन पहले
मेरे एक दो स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट थी वो, उनका मैसेज आया, मैम फैमिलीज आर नॉट सपोर्टिंग अस टू स्टडी मोर एंड एवरीथिंग, या हम कुछ करना चाहते हैं उसके लिए फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही। बेटा किसी की नहीं करती, किसी की नहीं करती। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करे बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। आज भी है, ऐसा नहीं है, मैं ये चीज़ को बिल्कुल नहीं कह सकती कि कंप्लीटली बंद हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीज़ आज भी है। आप पहले कुछ करके दिखाओ। कोई मुझे बोलता है कि मैम आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपको कितना सपोर्ट रहा फैमिली का, मैं अगर आज बात बोलूँ तो रहा भी है नहीं भी रहा है। आई एम डूइंग माई वर्क एंड एवरी थिंग, क्लासेस रहती हैं बैक टू बैक, ये सबको पता है, बट क्लासेस के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना टाइम मुझे देना पड़ता है, वो शायद सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो बिल्कुल मेरे क्लोज है, बिल्कुल मेरे क्लोज है। अभी भी हमें भी डायलॉग अभी भी मिल जाता है, ऐसा नहीं होता बींग अ प्रोफेशनल, बींग अ होल्डिंग अ डिग्री और यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ और एनीथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं होता कि हमें ताने नहीं मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, आज भी मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन मेरा एक मेन जो बात मुझे आज बोलनी है वो ये है, अगर आज आपका माइंड रेडी है दैट येस यू हैव टू डू दिस थिंग, कंसेप्ट क्लियर है कि इस काम में कोई परेशानी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है कि ये रास्ता सही है, आप गलत नहीं कर रहे एंड आपको आपके घर वालों के अगेंस्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, छोटा 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 इनपुट अपने उस काम में देते रहो, स्टार्ट करो। लाइक सपोज अगर किसी को गाने गाने का शौक है एंड फैमिलीज आर नॉट सपोर्टिंग देम, जो गो देयर या कहीं जाओ ये करो, बेटा आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग योर टैलेंट ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जिस दिन वो कहते हैं ना स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ती जाएगी, जिन्होंने आपको रिजेक्ट करा है, जिन्होंने आपके काम को रिजेक्ट किया है, दे ऑल्सो स्टार्ट लविंग यू, दे स्टार्ट सपोर्टिंग यू। मैं मुझसे काफ़ी जने बोल पूछते हैं, काफ़ी बारी बुरा भी लगता है, दैट वॉट यू आर अर्निंग। पहली बात है कि ये बात तो पूछने वाली ही नहीं होती, दैट वॉट आई एम अर्निंग राइट नाउ। ठीक है, हमें किसी से भी नहीं पूछना चाहिए, ना मेल से ना फीमेल से। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस होता है जिस टाइम पे हाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं, आप पूछ सकते हो, बट रेगुलरली ये सारे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है पूछना, क्योंकि जो भी पर्सन जो अपनी लाइफ में कर रहा है वो अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहा है, ये मानो। एंड इफ दे आर हैप्पी, काफ़ी बारी मुझे काफ़ी जने बोलते हैं मतलब यू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा नॉर्मली, हाँ आई कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा नॉर्मली बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ दैट येस आई हैव टू ऑन माई कैमरा एंड आई हैव टू स्पीक, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा वॉट आई मतलब आई हैव टू वियर ब्रांडेड शर्ट एंड आई हैव टू यूज़ अ हैवी मेकअप ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो रास्ता अपना ही नहीं है उस रास्ते पे जाने का मतलब ही नहीं है, ये कंसेप्ट लाइफ का है। देखो बोलने के लिए बहुत जने बोलते हैं, करने वाले करते हैं। कोई कहता है कि अगर आज आपको व्लॉगिंग करनी है या आज आपको अगर कैमरा लाइफ में आना है, क्योंकि बिकॉज माई सेकेंड लाइफ इज़ अ कैमरा लाइफ, तो आपके पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा एक सेटअप होना चाहिए वैसा एक सेटअप होना चाहिए। आई सेड ओके नो इश्यू, मेरे पास जो है दैट इज मोर इनफ, मुझे अपना कंटेंट डिलीवर करना है, उसके लिए मेरे पास अभी जो सेटअप है आई एम वेरी हैप्पी विद दैट और वो मोर देन इनफ है। तो ये अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट लो। इफ द फैमिलीज आर नॉट सपोर्टिंग यू इन योर एजुकेशन, स्टार्ट सपोर्टिंग योर सेल्फ इन दैट, कुछ करो। और करने के लिए ऐसा नहीं होता है दैट यू हैव टू गो अगेंस्ट विथ योर फैमिली, नहीं आपको वो करने की नीड ही नहीं है, आपको सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। मैंने बहुत बार बोला है कि दैट
आई स्टार्टेड दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, मतलब प्रॉपर ऑनलाइन खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या करना है, बस मुझे, मेरे को लाइफ का एक कंसेप्ट है मेरी लाइफ का, अगर मेरे पास कोई ऑफर आए, अगर वो ऑफर को मैंने 5 मिनट एनालिसिस करके देखा दैट यस इट्स ओके इट्स डन इट्स परफेक्ट या सही है, ज़्यादा नहीं है, देखो एकदम से कोई चीज़ परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती, बस ये लगता है कि हाँ ठीक है ये ऑफर, उसके बाद व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, मुझे सिर्फ वो एक निशाना दिखता है कि हाँ मुझे वो काम करना है। कोई मुझे बोलते हैं, आज भी मुझे बोलते हैं काफी लोग कि फ्री क्लासेस क्यों देते हो, क्या मिल रहा है आपको, ठीक है मेरी मर्जी। यूजुअली पीपल्स वर टेक्सटिंग मी फॉर नॉर्मल ऐसे चिट चैट, टेक्सटिंग सब चलती है बेटा हमारी लाइफ में भी चलती है, ठीक है, सो आई नेवर एवर रिप्लाई क्योंकि टाइम ही नहीं होता, बहुत कम मैं रिप्लाई करती हूँ। सो श्वेता यू आर नॉट हैविंग योर पर्सनल लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आज मेरा एक जवाब है सबको इसी प्लेटफॉर्म के पॉइंट पे, एक गर्ल या एक बॉय कोई भी हो, मैं कि पर्सन की बात कर रही हूँ, उसका जब जिससे बात करने का मन होगा वो अपने आप टाइम निकालेगा। डोंट टीच अदर पर्सन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ, दे आर डूइंग वॉट दे वॉन्ट टू डू, यू आर डूइंग दैट यू वॉट यू वॉन्ट टू डू, डोंट रूल एनी वंस लाइफ, सब अपने, वो कहते हैं ना सब अपने एरिया के बादशाह हैं, उनको बादशाह रहने दो, सपोर्ट करो अगर कर सकते हो सपोर्ट करो, नहीं कर सकते हो मत करो, बट नेवर एवर यूज एनी हार्श वर्ड्स टू एनी गर्ल और अ बॉय, अगेन आई एम से बोथ द पर्सन्स, कि वो उनके लिए खराब, एंड फॉर स्पेशली आज वुमेंस डे है तो वुमेंस के लिए स्पेशली मैं ये बात जरूर बोलूंगी, इफ यू फील अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हल्का सा भी, वो कहते हैं ना तू सा भी अगर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है दैट यस यू कैन डू, उतर जाओ मैदान में, क्या रिटर्न में आएगा मत सोचो, आना होगा आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्किंग एंड जो भी मैं अपनी लाइफ में काम कर रही हूँ, मैं हमेशा सिर्फ यही एक पॉइंट सोच के उतरती हूँ, मेरे को ये चीज़ सही लग रही है लेट्स स्टार्ट, आगे जैसी प्रभु इच्छा, आई नेवर एवर एक्सेप्ट एनी कंक्लूजन। टारगेट सेट करते चलो धीरे 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 धीरे, और वो भी एकदम से नहीं, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल आई सेट द फर्स्ट टारगेट दैट आई हैव टू रीच 500, व्हेन आई रीच दैट आई हैव टू रीच अनदर 500, तो दिस इज व्हाट दिस इज अ रीचिंग, ये टारगेट सेट करने जरूरी है, बट आज के डे पे मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद मैं कहाँ पे होंगी इस टाइम, आई डोंट नो, मुझे 5 मिनट के बाद नहीं पता, तो 5 साल के आगे का ये नहीं सोचे, बस मुझे ये पता है वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ, बस मुझे उसमें कंसिस्टेंट रहना है, बिलीव मी गर्ल्स, हल्का सा हाई काया ना लाइफ में जो तुम्हें सपोर्ट इस टाइम पे नहीं कर रहा है, जो तुम्हें इस टाइम पे बॉयकॉट कर रहे हैं, सब साइड हो जाएंगे, इत्तू सा हाई काते हैं, इत्तू सा हाई काके, बस यही मैं कहना चाहती हूँ, तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने खुद के बिग मोटिवेटर हो, ना आपके आगे कोई मोटिवेटर है ना आपके कोई पीछे है, पहले आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी हम, मैं खुद भी मोटिवेशन स्पीकर हूँ, जैसे फिर हमारी फिर बातें आपको समझ आएंगी,
लेकिन अगर आप पहले ही अपना थॉट प्रोसेस ये बना के, जैसे मेरे स्टूडेंट अभी एक लड़की ने कहा था कि उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो अब उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है फॉर आगे पढ़ने के लिए सीए फाउंडेशन एक्सेट्रा. आई सेड हर, यू वॉन्ट टू डू ना, यू वॉन्ट टू डू कल कल. अभी आप थोड़ा सा बात करके एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा कन्विंस करो, प्यार से बात करो, क्यों नहीं करने देंगे, और उसके बाद भी नहीं करने देते. रास्ते बहुत हैं, आप करना चाहते हो ना, जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग जहाँ से आपको भी थोड़ा सा अमाउंट आए और आप अपनी एग्जामिनेशन फीस भर लो. बेटा जब अगर आपकी इच्छा होगी ना कुछ करने की, रास्ते अपने आप बनेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका कौन सा काम हो गया. मेरे साथ आज के टाइम में यही होता है, मैं सोचती क्या हूँ और फिर टेंशन भी होती है. ऐसा नहीं होता हमें टेंशन नहीं होती, हमें भी टेंशन होती है, बट कब रास्ता कैसे क्या बन जाना, आई डोंट नो. क्यों? क्योंकि आई लेट गो द थिंग्स, सोचा छोड़ दिया कि चलो जी जैसी प्रभु इच्छा. तो ये ही आपको करना है. और ऐसा नहीं होता, अपने आप को डीमोटिवेट मत रखो, पहले आपका माइंड थॉट रखो. जैसे अभी उस गर्ल का मैं एक पॉइंट बता रही हूँ कि अगर उसने इस बात को समझा और थोड़ा सा भी ट्राई करेगी, रास्ता बन जाएगा. बट अगर उसी का माइंड थॉट प्रोसेस नहीं, पापा नहीं मान रहे, पापा नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा फ्यूचर ये, यू आर गिविंग योर सेल्फ नेगेटिव अफर्मेशंस. नहीं होगा बेटा, फिर कितना भी ट्राई कर लो. और उस टाइम पे कोई भी बिग टू बिग मोटिवेशनल स्पीकर भी आपका कुछ नहीं कर सकता. सो फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, एंड वेन यू बिलीव योर सेल्फ, रास्ते आपके सामने हैं. तो ये एक मेरा एक छोटी सी बात थी, वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन छोटी सी बात थी जिसको मैं डिलीवर करना चाहती थी. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, जस्ट बी अ पॉजिटिव पर्सन, कोई ना कोई रास्ता तो होगा. ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ का रास्ता नहीं है. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बूस्ट योर सेल्फ, मोटिवेट करो अपने आप को. और एक और पॉइंट बोलना चाहती हूँ, फ्लो फ्लो में आ ही जाती हूँ मैं. अगर कभी लगे कि नहीं अब हमसे काम नहीं हो पाएगा, जैसे मेरे साथ भी होता है, व्हेन आई हैव टू स्टार्ट माई क्लासेस, समटाइम्स मूड नहीं होता, कुछ भी होता रहता है, मूड स्विंग्स तो पार्ट ऑफ अ लाइफ है मेरी, तो ये सब चीज़ें होती है. तो फिर हम क्या करते हैं, मैं बस उस टाइम पे एक बात सोचती हूँ, वाई आई स्टार्टेड दिस थिंग. जवाब नहीं मिलता, बस ये होता है कि अपने कंफर्ट जोन से उठ के मैं कैमरे के आगे आ जाती हूँ. दिस इज द लाइफ. तो जब भी आपको ऐसी चीजें होती है, जस्ट आस्क द क्वेश्चन विथ योर सेल्फ. बस इसी के साथ हम इस मोटिवेशनल सेशन को एंड कर दें, एंड आई विल ट्राई टू शेयर अदर थिंग्स ऑल्सो. आज बहुत टाइम के बाद मैं रिकॉर्डिंग पॉइंट पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो जल्दी ही कुछ और भी टॉपिक्स को लेकर मैं ज़रूर आऊँगी. सो स्टे ट्यून विद द चैनल, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू एवरीवन. थैंक यू, बाय, टेक केयर.